रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर के बस स्टैंड में चौथी बस से भी उतारे जाने से गुस्साई महिला बीच सड़क धरने पर बैठ गई। महिला के बीच सड़क धरने पर बैठे जाने के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। जब काफी देर तक महिला नहीं उठी तो मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी और महिला को मनाने पर जाम खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। हमीरपुर बस अड्डे पर सोमवार देर शाम उस समय जाम की स्थिति पैदा हो गई जब लोकल सवारियों को बसों में नहीं बैठाने के कारण बस ऑपरेटरों के खिलाफ एक महिला का गुस्सा सामने आया। शाम करीब 5:30 बजे एक अकेली महिला ने बस के आगे खड़े होकर चक्का जाम तक कर दिया। महिला को परेशान देखकर बस अड्डे के समीप लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आम लोगों का कसूर क्या है, लोकल सवारियां कैसे सफर करें। इस मौके पर महिला ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि चक्का जाम के चलते जिला मुख्यालय में करीब 1.25 घंटे तक बस स्टैंड के दोनों तरफ हमीरपुर शिमला और हमीरपुर धर्मशाला मुख्य मार्ग पर 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 1 घंटे जाम लगने से भारी गर्मी में लंबे रूटों में बसों में सवारी करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। वहीं महिला का आरोप था कि महिला को बार बार बसों से उतारा जा रहा था और उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ना की जा रही थी। उसने आरोप लगाया कि लोकल सवारी होने के कारण हर बस वाला उन्हें बस से उतार रहा था, जिसके कारण उनको गुस्सा आ गया। ट्रैफिक जाम होने पर सदर पुलिस थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को शांत भी करवाया, लेकिन महिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की जिद करती रही। पुलिस टीम ने जबरन महिला को बस के आगे से हटाया और यातायात को बहाल किया। आपको बता दें कि कुल्लू के बंजार बस हादसे के बाद बस ऑपरेटर लोकल सवारियों को बसों में नहीं बिठा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को 3-4 किलोमीटर पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। 3 बजे जाम लगा और 5 बजे तक कोई मेरे नहीं आया, ठीक है। एक लेडीज ने पूरा जाम लगा रखा कांटे में, जब उसको गाड़ी से उतार लिया गया, पक्का ऑपरेटर या पक्के लगाए या कोई भी उसके गेट में। धन्यवाद। यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, क्योंकि कंडक्टर ड्राइवर प्राइवेट बस में चाहे उनका किराया बढ़ाए चाहे वो गलत गाड़ी में ले जाए या सरकार उनको लोकल सवारी लोकल बस में लगाए जाए। गवर्नमेंट की बस थी, प्राइवेट बस थी, प्राइवेट थी, और जब हम स्कूल से आते हैं ना गवर्नमेंट बस आती है ना, तभी हम उतार देते हैं। हमारे स्कूल में जनियारी में ना वो केंद्रीय विद्यालय, तो हमें वो एक प्राइवेट सॉरी सरकारी बस आती है ना, तो आगे वाला गेट वो बंद रखते हैं, पीछे वाला गेट से वो चढ़ने।